रतन सूत नंबर छः या महा मच्युंजय सूत नंबर छः या महा मच्चु विजय सूत्र या महा मृत्यु विजय सूत्र या महा मृत्युंजय सूत्र नंबर छः। जो महामारी को जीतता है उस सूत्र को, उस बात को महा मच्युंजय या महा मृत्युंजय सूत्र कहते हैं। ये सूत्र छः, इसमें तीन शब्द बहुत कमाल के हैं। ये पुग्गला अठ सत्तंग पसत्था चत्तारी ऐतानी युगानी होंती ते दक्षिणेयो दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु भिन्नानि महाफलानि इदंपि संघे रत्नं पडितं एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु। ये पुगल्ला अठ सत्त अंग पसत्था, इसमें जो पुगल्ला अठ शब्द है, ये पुगल्ला अठ शब्द पूरे बुद्ध की वाणी में, बुद्ध के वचन में और जो उन्होंने सिखाया है ये बार बार आएगा। चत्तारी ऐतानी युगानी होंती, और चत्तारी युगानी यानी जो चार युग्म हैं, चार जोड़े हैं, ये शब्द भी बार बार आएगा। ये जो पुगल्ला शब्द है, पुगल्ला का मतलब होता है व्यक्ति यानी कि पर्सन, उसको यहाँ पुगल्ला बोलते हैं और संस्कृत भाषा में पुद्गल बोलते हैं। आठ व्यक्ति का जब जिक्र आता है तो आठ व्यक्ति या चार जोड़े, इसका मतलब है भगवान बुद्ध के जो सावक संघ है यानी जो शिष्यों का संघ है, सावक संघ है, उसमें आठ प्रकार के जो भिक्खु हैं या भिक्खुणु हैं वो मिलते हैं, यानी कि आठ प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। वो आठ प्रकार के जो व्यक्ति हैं चार जोड़ों में होते हैं। कौन से चार जोड़े होते हैं? उनमें जितने भी व्यक्ति हैं आठ प्रकार के रास्तों पर वो आगे बढ़ते हैं। या तो वो सोतापति फन जो है यानी जो सोतापन फल है उसके मार्ग पर आरूढ़ है, उसके मार्ग पर चल रहे हैं, या सोतापति फल को प्राप्त कर चुके हैं यानी जो सोतापन के रास्ते पर हैं या सोतापन फल को प्राप्त कर चुके हैं, इनका एक जोड़ा होगा। दूसरा जोड़ा होता है सकदागामी यानी कि जो सकदागामी मार्ग पर हैं, उस रास्ते पर हैं, सोतापति से आगे बढ़ चुके हैं या जो सकदागामी फल को प्राप्त कर चुके हैं, एक जोड़ा उनका होता है। एक होता है अनागामी यानी जो अनागामी मार्ग पर आगे हैं या जो अनागामी मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं, एक जोड़ा उनका होता है। और एक जोड़ा होता है जो अर्हत मार्ग पर या तो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और या अर्हत मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि जो सोतापति हैं, जो सकदागामी हैं, जो अनागामी हैं और जो अर्हत हैं, वो या तो मार्ग पर चल रहे हैं या मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं। ये चार जोड़े होते हैं, इनको बार बार आठ व्यक्ति कहा जाएगा, आठ पुग्गल कहा जाएगा या चार चत्तारी युगनी यानी युग्म यानी जोड़े कहा जाएगा। ये सावक संघों के लिए यानी कि जो भिक्खु और जो भिक्खुणु हैं, जो शिष्य हैं, उनके लिए बार बार इंगित होगा, बार बार बताया जाएगा, इसको ध्यान रखें। एक इसमें जो शब्द है वो है दक्षिणया, दक्षिणया शब्द है और बुद्ध वंदना के अंदर दक्षिणेयो भी आती है। जब हम संघ वंदना करते हैं तो उसमें दक्षिणेयो भी आती है। अक्सर इस शब्द का जितने भी लोग हैं वो एक उच्चारण बताते हैं कि दक्षिणा दक्षिणा देने योग्य है यानी दक्षिणा के लिए, मगर ये शब्द नहीं है, ये पाली का अर्थ नहीं है, ये संस्कृत भाषा में लोगों से कुछ लेने के लिए दक्षिणा को दक्षिणा बना दिया है। बेसिकली जो पाली के अंदर दक्षिणा के दो अर्थ होते हैं, एक होता है दक्षिण साइड यानी कि जो हम उत्तर दक्षिण बोलते हैं उनमें दक्षिण साइड जिसको हम नॉर्थ बोलते हैं, और यहाँ जो दक्षिणेयो मतलब है या दक्षिणेया मतलब है, इसका मतलब है देखने योग्य, दर्शन करने योग्य। क्योंकि भिक्खु जो है वो दक्षिणा नहीं मांगते, कभी भी किसी से दक्षिणा नहीं मांगते, कभी किसी के आगे ये नहीं कहते कि आप हमें दक्षिणा दो, वो हमेशा भिक्खा मांगते हैं। वो भिक्खा होते और वो पिंडपात मांगते हैं यानी पिंड जो होता है, पिंडी बोलते हैं, जो हम लड्डू बनाते हैं उसको पहले समय में पिंडी बोला जाता था, जो बहुत अच्छा भोजन होता था उसको बोला करते थे, जो शहद का दूध का चावल का मिलके बनता था, उसके छोटे छोटे लड्डू बनाते थे, उनको पिंडी बोलते थे। तो वो जो भोजन जिसको देते थे उसको पिंडपात बोलते थे और इसको पिंडदान बोला करते थे, पिंडदान या पिंडीदान, वहां से ये चला है। तो वो भिक्खा लेते हैं, वो दक्षिणा नहीं लेते जो आज के समय है।
वो बेसिकली ये कहा गया है कि जो भिक्खु संघ है वो इतना अच्छा है कि वो उसके दर्शन करने योग्य है, यानी कि आप उसके देखेंगे, उसका दर्शन भी करेंगे, आते जाते देखेंगे या उसको पास से देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा अनुभव होगा। क्योंकि भिक्खा जो मांगते हैं वो 24 घंटे नहीं मांगते, सुबह 12 बजे से पहले ही मांगते हैं, उसके बाद कोई भिक्खा लेने का नियम नहीं है। और दक्षिणा की बात तो दूर दूर तक भी कहीं भिक्खु संघ में या बुद्ध ने कभी नहीं कही, इसका तो निषेध है, पूरी तरह से बंद है। क्योंकि जो भी दान होता है वो भिक्खु संघ के लिए होता है और भिक्खु संघ जो भी ले लेता है वो जमा कराता है संघ में। तो यहाँ ये दो शब्द हैं। अब इसका अर्थ समझ लीजिए कि ये जो रतन सूत्र नंबर 6 है क्या कहता है। ये पुगल्ला अठ सत्तंग पसत्था, यानी कि ये जो 8 व्यक्ति हैं, संत लोग भी, साधु लोग भी, अच्छे लोग भी इसको प्रशस्ति करते हैं। पसत्था का मतलब है इसकी प्रशस्ति, इसकी प्रशंसा करते हैं। चत्तारी एतानी जुगानी होती, ये जो होते हैं 4 जोड़ों में होते हैं, 4 जोड़े इनके मिलते हैं, पाए जाते हैं। ते दक्षिणया सुगतस्य साबका, ते मतलब वे जो हैं दक्षिणया दर्शन के लिए अच्छे हैं। सुगतस्य यानी कि सुगत जो है वो भगवान को बुला गया है। सुगत का मतलब होता है जिसकी गति सु हो, यानी अच्छी हो, यानी जिसका जो मृत्यु है, जो बाद का जीवन है वो बिल्कुल अच्छा हो, उसको सुगत बोलते हैं। बुद्ध का ये नाम है। सुगतस्य का मतलब है कि भगवान बुद्ध के। साव का माने हैं शिष्यों का संघ, यानी कि शिष्य जो हैं ये भगवान बुद्ध के, वो देखने योग्य हैं, समझने योग्य हैं। एतेषु दिनानि महाफलानि, एतेषु का मतलब है इन पे या इन पर अगर इनको दिया जाए, क्या इनको अगर दिनानि दिया जाए, जो इनको दिया जाता है, जैसे इनको भोजन दान देते हैं या इनको चीवर देते हैं या इनको जो इनके जरूरत का सामान है वो देते हैं, तो वो महाफलदानी होता है। उसका बहुत ज्यादा फल मनुष्य को मिलता है, मनुष्य को बहुत ज्यादा शांति उसमें प्राप्त होती है। इदम्पी संगे रत्नंग पड़ितंग, इदम्पी माने इद अम्पी, यह भी, संगे रत्नंग पड़ितंग, संग में जो रत्न है वो बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, यानी इस वचन से, इस सच्चे वचन से जो यहां महामारी फैली हुई है वो स्वस्थ हो जाए, वो अच्छी हो जाए, वो कल्याणकारी हो जाए, वो मंगलकारी हो जाए, सभी लोग सुखी हो जाए। यानी कि ये रतन सूत्र नंबर 6 है, इसका मतलब ये है सीधा सीधा हिंदी में कि ये जो भगवान बुद्ध का जो श्रावक संघ है, इसमें 4 तरह के जोड़े होते हैं, 8 तरह के लोग होते हैं जो देखने के योग्य होते हैं, और संत लोग भी जिनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ये भी जो संघ है उसमें एक रत्न है जो सबसे श्रेष्ठ है, अच्छा है। इस बहुत अच्छी बात से भी सब लोगों को एक मनोबल बढ़ना चाहिए, सब लोगों का फायदा होना चाहिए और बीमारियां सबकी ठीक होनी चाहिए। ये पॉजिटिव बात है, ये मन को बढ़ाने वाली बात है, इससे हमारी महामारी ठीक होनी चाहिए। धन्यवाद।